92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ॐ भूर्भुवस्वाः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बीते समय में हमने भविष्य की चिंता की, आज भी हम भविष्य के लिए ही सोच रहे हैं और शायद कल भी यही करेंगे। फिर कब हम वर्तमान का आनंद लेंगे? अभी इसी समय मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे समझदार सुंदर फूले श्रोताओं के साथ इस दिन की देती हूँ आपको निर्मल कोमल बधाइयाँ। एक बार फिर नया जन्म, हमारी आंखें खुली हैं और इस दिन को एंजॉय कीजिए आप। आज 28/12/2016 बुधवार है। आज चंद्र धनु राशि में अहोरात्र नक्षत्र है ज्येष्ठा। सुबह 9:01 तक अमावस्या है। शुक्र कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे देर रात तक और सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रात 11:07 तक प्रवेश कर जाएंगे। आज का मुहूर्त लाभ है 7:11 से लेकर 8:34 तक। अमृत है 8:34 से लेकर 9:56 तक। शुभ है 11:19 से लेकर 12:42 तक। और फिर से लाभ है 4:49 से लेकर 6:12 तक। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। वाहे गुरु का नाम लेकर आइए इस दिन को और भी शुभ बनाते हैं। दिल कर रहा है वाहे गुरु को याद करने के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। होंठों पर अगर प्यारी सी हंसी हो तो बहुत सारे काम बन जाते हैं। आइए हम स्माइल करके इस दिन को आगे बढ़ाते हैं। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सुन रहे हैं आप मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य। मेष राशि के लिए चंद्रमा आज बन गए भाग्य में और कल की तरह ही आज भी भाग्यवर्धक दिन। और आज ज्येष्ठा नक्षत्र है तो आपको सूट करता है वो। साथ में एक बात बता दूं कि जो शनि बैठे हैं अष्टम में उसकी वजह से जो तबीयत खराब है, आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और साथ में हनुमान जी की भी करनी चाहिए। वृषभ राशि के लिए आज का दिन अति उत्तम इनकी सेहत के लिए। कोई अगर डॉक्टर मिल जाए या इनको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम चल रही थी तो ऐसा कुछ इलाज मिल सकता है इनको। और इनके पंचम में बैठा गुरु इनको बच्चों से बहुत सुख दिलवाता है, पढ़ाई में आगे रहते हैं और ये बच्चों की वजह से खुश हैं। मिथुन राशि के लिए आपकी माता की सलाह बिल्कुल सही है। आप खरीद सकते हैं वाहन, आपकी कार्य अच्छे जगह पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि लोग आप पर विश्वास करते हैं लेकिन जहां कार्य कर रहे हैं उनको सिक्का जमाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कर्क राशि के लिए बेचैन किया हुआ था आपको शनि चंद्र योग ने, अब चंद्रमा आगे बढ़कर आपको विरोधियों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। वैसे भी आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा सबसे बड़ा विरोधी होता है क्रोध इंसान का। आपको क्रोध कम करना है और अपने गुस्से को कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बहुत स्वस्थ धन राशि में बुध के साथ, तो उसकी दृष्टि भी जो पड़ रही है आपके एकादश पे पड़ रही है तो आपको पैसे आने के भरपूर योग हैं और पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब जाके स्वस्थ हुआ है, सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है और आपके प्रॉपर्टी लेने के दिन हैं, आपके मातहत लोग रखने के दिन हैं, सुखों के दिन हैं, तो आप एंजॉय कीजिए। और अभी फिलहाल शनि के वजह से जो परेशानी है प्रवास में उसे भूल जाइए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। माँ तो माँ होती है, चाहे कान्हा की हो या मेरी हो या आपकी हो, तो यशोमती मैया से बच्चा कन्हैया क्या क्या कहता है सुनिए ना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रही हैं सहर
कामिनी खन्ना के साथ। सबको इकट्ठा रखने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रेम में होती है। प्यार कीजिए, लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में स्वागत है। सुप्रभात, बहुत बहुत बधाइयाँ इस दिन की। सूर्य को देखा होगा। अब सुनिए तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। तुला राशि के लिए आज बहुत ही बढ़िया दिन। आपका पराक्रम बहुत बड़ा हुआ है, आपको काम बहुत करने का मन कर रहा है और आप अच्छे अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। और इसके अलावा भी रोमांटिसिज्म आपके दिमाग पे छाया हुआ, तो आपको दुनिया अच्छी लग रही है, एंजॉय कीजिए। पढ़ाई के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है मंगल शनि के घर में और शनि मंगल के घर में, ऐसा कुछ योग बनता है तो आपके लिए अच्छा है। वो थोड़े दिन आपके बहुत अच्छे, जो बहुत सारी परेशानी थी वो कम हो जाएगी, आपके काम बढ़ेंगे। इसके अलावा भी राहु आपको पैसे दे रहा है। धनु राशि के लिए प्रसिद्धि के योग और तेजस्वी ओजस्वी होने के योग आपके नाम के डंके बजेंगे। और वैसे जो आपको विदेश से रिलेटेड काम आता है वो भी आपने इन दिनों एंजॉय किया है। मकर राशि के लिए आपके द्वितीय में बैठा मंगल आपको थोड़ा सा कड़वा बुलवाता है और कोई बात खटास ना पैदा करे, इसका ध्यान रखिएगा। अपने परिवार में कलह न कीजिएगा। अगर आपको कोई पैसे से रिलेटेड परेशानी लगती है तो फिलहाल आप कर सकते हैं महाकाली की पूजा। कुंभ राशि के लग्न में बैठे त्रिग्रही योग मंगल केतु और शुक्र इनको देते हैं बेचैनी, क्योंकि केतु से ये पहले ही परेशान थे, अब मंगल साथ में आ गए तो आपके अगर स्पाउस से नहीं बनती है, आपकी तबीयत अगर खराब है, किसी प्रकार से आपको कोई बेचैनी है, तो आप शिव जी की या महाकाली की पूजा कर सकते हैं और महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। मीन राशि के लिए द्वादश में बैठा मंगल शुक्र जीवन में लाता है, कोई बदलाव आपके जीवन में कोई आता है और साथ में अगर वो विदेशी हो तो ऐसा भी हो सकता है, विदेश से रिलेटेड कोई कारोबार ऑफर होता है, बहुत ज्यादा बनेगा नहीं वो, इसलिए अभी उस पर ध्यान कम दें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य, आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक बढ़िया सा एस्ट्रोलॉजिकल टिप। अनूप जलोटा जी के मुंह से जब कृष्ण भक्ति के भजन सुनती हूँ तो गदगद हो जाती हूँ, मेडिटेशन में चली जाती हूँ। ये वाला भजन मुझे बहुत पसंद है, आपको भी होगा, सुनिए ना, वो काला एक बांसुरी वाला। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। जीवन की डगर पे आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन दिल के एक कोने में मुझे भी रखिएगा, है ना। मैं कामिनी खन्ना शायर कार्यक्रम में आपके साथ इतनी सुंदर सुबह में विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु कहती हुई आपके साथ गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी सुबह है और हम जान रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल टिप के बारे में। बात करेंगे हम काली मिर्च की। काली मिर्च जो राहु का प्रतीक है, साथ में शनि का भी प्रतीक है, खाने में थोड़ी सी तीखी होती है लेकिन फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे शनि महाराज थोड़े से तीखे होते हैं लेकिन उनके संयम और नियम के रूल्स बहुत अच्छे होते हैं। जानिए काली मिर्च के बारे में। पाचन तंत्र संबंधी रोगों में काली मिर्च को किशमिश में मिलाकर खाया जाता है। इसे खाने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। अब पेट में एमीबॉयसिस हो जाते हैं गलत पानी पीने से, और छाछ में काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो अच्छी बात है, आज तो बात की हमने पेट के कीड़े मारने की, और साथ में काली मिर्च आपको पता है गले के लिए बहुत अच्छी होती है। पीसी हुई काली मिर्च अगर मलाई में भी थोड़ी सी डालकर आप चाटते हैं तो आपका गला ठीक होता है, बशर्ते आप एक घंटे तक या आधे घंटे तक उस पर पानी ना पिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी काली मिर्च से संबंधित फायदे। कल फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम प्यारा सा है सहर। चलिए एक बार फिर आपको भक्तिमय संसार में ले चलती हूँ आपको वृंदावन में, जहाँ कृष्ण कन्हैया रास रचा रहा है और सबकी आंख का तारा होते हुए भी वो किसी को दिखता नहीं है, चतुर है और हर गोपी के साथ रहते हुए भी नहीं रहता है, सब बेचैन है। चलिए दिन को आगे बढ़ाते हैं कृष्ण कन्हैया के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।